बड़ी खबर, बिहार में नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नालंदा में पूनम देवी नाम की नवनिर्वाचित मुखिया को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने जबरदस्त तरीके से जाम लगाया है। मुखिया को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये कोलामा पंचायत की मुखिया हैं और इनकी हत्या चूहर चंडी रोड में बाबा चूहर का मंदिर है वहीं पे सड़क किनारे। क्या वजह है बताइए, कारण क्या है? चुनावी रंजिश। किस पे शक है आप लोग का? शक तो इन्वेस्टिगेशन का बात है, हम लोग अभी क्या कह सकते हैं, बाकी जो FIR में आएगा। क्या नाम है मुखिया जी? मुखिया जी का पूनम देवी नाम हुआ। कुछ सामने बात आ रही है पुराने रंजिश में कुछ पुर पते से? उन लोग जो उनके रिलेटिव होंगे उन लोग को पता होगा। ये कहाँ से आ रहे थे? अभी हरनौत बाजार से। हम बाजार से घर जा रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? परवीन सिंह, पंचायत समिति सदस्य हैं। क्या घटना की जानकारी है, क्या हुआ यहाँ पे? अभी बाजार से आ रही थी, उसके साथ पीछे हम भी मोटरसाइकिल से थे और देखे कि मोटरसाइकिल ठेल दिया और उसको तीर के भागने लगी तो हम भी पीछे से थे, वह पासी से था, हम प्लस फ्लोर से थे। नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नीतीश, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है बिहार में, आज फिर एक नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वो भी मुख्यमंत्री का इलाका है नालंदा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का इलाका है और वहीं पर कोइलामा पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया है पूनम देवी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल वहाँ एक चूहड़ मंदिर है, उस मंदिर में वो जा रही थी बाइक से और वहीं पर घात लगाए अपराधियों ने, जो कि 3 की संख्या में थे, उन्होंने गोली चलाई है। चुनावी रंजिश जोड़कर इसको देखा जा रहा है और बिहार में जब से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसके बाद से लगातार इस तरह की हत्याएं की खबरें आती रही हैं। हर दिन कहीं ना कहीं किसी पूर्व मुखिया या मुखिया की हत्या हो रही है, तो ऐसे में आज एक बार फिर से ये घटना सामने आई। शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए नीतीश आपका।